नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। खबर है समस्तीपुर से। 14 जुलाई की शाम को सिंधिया थाना क्षेत्र के बाड़ा चौक पर सीएसपी कर्मी 23 वर्षीय नितिश कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2,33,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। तहत स्थानीय सिंधिया थाना के कार्ड संख्या 116/21 अंतर्गत धारा 394 और 34 आर्मर्स एक्ट दर्ज की गई। घटना की जानकारी मिलते ही समस्तीपुर जिला पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने ढिल्लो के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी शहरयार अख्तर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय सिंधिया थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल एवं हसनपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार इत्यादि को शामिल कर इस कांड के उद्भेदन के लिए सदन रूप से सीमावर्ती क्षेत्र के थाना सिंधिया हसनपुर विथान एवं कुशेश्वर रसस्थान क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस कांड में तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सिंधिया थाना क्षेत्र के ग्राम वाड़ा निवासी बूटेला पंडित के 21 वर्षीय पुत्र सुनील पंडित एवं दरभंगा जिले के कुशवेस्थान थाना के ग्राम झंझड़ा निवासी सूर्य नारायण पंडित के 21 वर्षीय पुत्र नित्यानंद पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना से संबंधित सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में क्षेत्रीय प्रशासन मुस्तैदी से अपना फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। एक सीएसपी संचालक है, 12 चौक का सीएसपी संचालक जो है वहाँ पे काम करते थे नीतीश कुमार, पिता जयराम राय रामपुरा के रहने वाले थे। तो उनको वो बैंक से सीएसपी का पैसा ला रहे थे, 2,30,000 के करीब था। उनको अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार दी गई। इस संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के निर्देश में मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष सिंघिया, थानाध्यक्ष हसनपुर और मतलब कांड का उद्भेदन भी करना था और छापेमारी भी करनी थी। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से बातें निकल के आई कि वहाँ जहाँ पे सीएसपी है वहाँ से की दूरी पे एक सुनील पंडित नाम का लड़का, उसने जो है इस घटना के लाइनर के रूप में काम किया था, लेकिन वो भी घटना में भी वो शामिल है। तो सुनील का एक चचेरा मामा छछरा में रहता है, जिसका नाम नित्यानंद है, और वहाँ के एक और लड़के अविनाश यादव, वो दोनों घटना से एक दिन पहले आके पूरा सारा रेकी किए थे। बैंक कहाँ है, सीएसपी कहाँ है, कैसे कितने समय आता जाता है, पूरा रेकी करके पूरा प्लान किया गया था। और खुशबरुआ का एक कुख्यात अपराधी है सुनील राकेश यादव, उसने लगातार सीएसपी लूट की घटनाएं की कुशेश्वर स्थान में। तो कुशेश्वर स्थान के थाने के भी पुलिस काफ़ी दिनों से खोज रही थी और वो पकड़ा भी गया, लेकिन कुछ और हथियार वगैरह के मतलब उपलब्धि के चक्कर में मतलब उसे लेके बॉर्डर क्षेत्र में आए थे वो लोग, हम लोगों को सूचना थी नहीं इस बारे में, तो उसमें शायद वो वहाँ से भाग गया। और इसमें अभी राकेश यादव और अविनाश यादव की गिरफ्तारी बाकी है और तकनीकी अनुसंधान के आधार पे इसको पूरी तरीके से उद्भेदित किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी जो कपड़ा पहना था सुनील ने वो भी बरामद कर लिया गया है, और अविनाश की बाइक भी जो घटना में इस्तेमाल हुआ था